बता दें कि आज लगने वाले सूर्य ग्रहण का असर कई देशों पर पड़ सकता है। माना यह जा रहा है कि ग्रहण का अमेरिका पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, जबकि चीन की अगर बात करें तो चीन भी इससे प्रभावित तो हो सकता है। सूर्य को ग्रहण, अमेरिका पर होगा असर, बच जाएगा चीन। साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। खास बात यह कि इस बार 15 दिन के अंदर पर दो ग्रहण पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ग्रहण प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार महाभारत काल में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और आज भी ऐसी ही परिस्थिति सामने आ रही है। इस ग्रहण का असर यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और भारत के कई हिस्सों में पड़ सकता है। यूरोप में आजकल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। जाहिर है कि अमेरिका की भी रूस से तनातनी तेज हो रही है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। रूस की ओर से अमेरिका को कई बार युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन हर बार अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया। अमेरिका और रूस में बढ़ेगी तनातनी। हालांकि आज अमेरिका और रूस दोनों ही देश एक दूसरे से सीधे टकराने से बच रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का साथ देने की वजह से आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो वहीं पुतिन की सेना के हर हमले का जवाब देने के लिए नेटो सेना भी तैयार है। नेटो देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। अमेरिका के टोही विमान भी रूस की सीमा के करीब उड़ान भरकर रूस के अगले कदम को समझने की कोशिश में लगे हैं। ये सैनिक नेटो की ईस्टर्न कमांड की मदद करने जा रहे हैं। आशंका है कि अमेरिका रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। पुतिन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो नेटो देशों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अमेरिका पर भी रूस की सेना हमला कर सकती है। इसमें आशंका जताई जा रही है कि सूर्य ग्रहण का जंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और परमाणु हमला भी किया जा सकता है। उसी बढ़ेगा क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आने वाले जितने ग्रहण हैं वो सारे बाहरी दिखेंगे और इन सब का असर अमेरिका पे काफ़ी जोर से होगा। और अमेरिका की करेंसी जो है डॉलर काफ़ी बढ़ रही है, किसी भी देश की करेंसी बेजा बढ़े तो अच्छा नहीं होता, तो उसमें के भी उनको काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट अवश्य मिलने वाले। युद्ध में अमेरिका से नाराजगी रखने वाला ईरान भी रूस का साथ दे रहा है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं, शहर दर शहर तबाही बढ़ती जा रही है। ईरान के सैनिक रूसी सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान की स्पेशल फोर्स की यूनिट भी रूस में सक्रिय हो सकती है। जो रूस के सिपाहियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही स्पेशल मिशन में उनका साथ भी दे सकते हैं। जाहिर है कि ये स्थिति भी अमेरिका के विरोध में जाती दिख रही है। अमेरिका और चीन में बढ़ेगा तनाव। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को ताइवान स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका का सुरक्षा तंत्र
लगातार चीन की साजिशों पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि जिस तरह ताइवान के आसपास चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास तैनात, साथ ही उसके विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि ताइवान भी चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना चीन को जवाब देने के लिए लगातार ड्रिल कर रही है, लेकिन चीन की ताकत को देखते हुए ताइवान कहीं टिकता नहीं दिख रहा। ऐसे में उसका साथ देने पर अमेरिका के साथ चीन की तनातनी और बढ़ने की आशंका है। चीन की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, और अभी तो कुछ दिन पहले ही जो शिपिंग है बड़े पावरफुल हो गए हैं, तीसरी बार चुने गए हैं और अगले 5 साल और रहने वाले हैं, और इनका जो पॉलिट ब्यूरो के लोग हैं वो भी इनके काफ़ी यसमैन टाइप के हैं। यह स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी, तो वैसे ही शिपिंग काफ़ी मनमानी करते हैं और इनकी मनमानी बढ़ेगी, यह भी एक स्थिति हमको देखने को मिलेगी। अमेरिका और चीन के संबंध और ख़राब होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद दो अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई। साथ कि ज्योतिषियों की आशंका सच हुई तो आने वाले वक्त में दुनिया को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है।